आम जिंदगी में आप बहुत बार ऐसे देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घुटना पकड़ कर चल रहे हैं, कोई उनका हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो कोई उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, गुरुद्वारे में ले जा रहे हैं, मॉस्क में जा रहे हैं, कोई ना कोई सहारा देकर ले जा रहा है, क्योंकि उनके शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द है या तकलीफ है। अगर आप भी या आपके परिवार में कोई भी इस तरह के नसों के दर्द के शिकार हैं, मतलब कि किसी भी तरह के पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है या नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, नसें नीली पड़ गई हैं या थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरह की अगर नसों से रिलेटेड आपके आसपास जान पहचान में कोई है जिनको प्रॉब्लम है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो को देखिएगा, जो रिमेडी बताने वाली है उसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर इसमें एक खाने वाली और एक लगाने वाली दो चीजें बताने वाली हूं, दोनों को अगर फॉलो कर लिया तो ये प्रॉब्लम आपकी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जो हफ्ते में 3 बार वीडियो आते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ये जो प्रॉब्लम नसों की प्रॉब्लम होती है, ये अलग अलग तरह से होती है। मेरे चैनल पर देखिए इसके लिए बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जिसमें मैंने कारण को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप सबको भी पता है कि कारण क्यों क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, नसों में कमजोरी आ जाती है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, दवाई का असर हो जाता है, इंजरी का इफेक्ट हो जाता है, जो पीछे हमारा पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाती है, ब्रेन में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे हाथ पांव सिवर करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रेमर्स जिसको कहते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इन सबका अगर निवारण की बात करें तो आज के टाइम में 100% परमानेंट ट्रीटमेंट स्पेशली मेडिकल साइंस में तो अभी तक नहीं आया है। आयुर्वेदा जरूर कुछ चीजें कहता है जिनको सही तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है, अपने आप को बहुत ज्यादा फिट एंड हेल्दी दोबारा से बना सकते हो और नसों में मजबूती आप दोबारा से ला सकते हो। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब नसों की तकलीफ होती है तो तकलीफ सिर्फ ये नहीं होती है कि आपको दर्द होता है, तकलीफ तब ये होती है कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजमर्रा का जो आपका काम है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। इसलिए आज का रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो खाने की चीज है उसको ध्यान से समझिए, ये होती है मुनक्का, काले रंग की मुनक्का होती है, इसके अंदर बीज होता है, इसको हम अबजोस भी कहते हैं, और ये है सैफ्रॉन जिसको कि हम केसर कहते हैं, ये है पम्पकिन सीड, आप सब जानते हैं ये कहीं भी पम्पकिन सीड भी मिलता है, ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं गिलोय, और ये है मोरिंगा, मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक। ये अलग अलग चीजें हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ये अजीब लगेगा, लेकिन जब इसका रेमेडी आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जो इससे आपको फर्क महसूस होगा आपके शरीर में। आपको क्या करना है कि ये जो मोरिंगा है और ये गिलोय का स्टिक है, इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे, 2 ग्लास पानी के अंदर फुल आंच पे, फुल हीट पे, इसको फ्लेम पे हम उबलने के लिए चढ़ा देंगे। जब ये आधा रह जाएगा, मतलब 1 ग्लास रह जाएगा, तब हम उतार लेंगे, उतार कर हम इसको छान लेंगे। छान के रखने के बाद अब जो हमारे पास ये है मुनक्का और पम्पकिन सीड, मुनक्का, पम्पकिन सीड और केसर, इन तीनों चीजों को इस पानी के अंदर में डाल देंगे। ये आपने सुबह को करना है, ठीक है, तो लेना आपको सुबह को है तो बनाना आपको रात को पड़ेगा, हर रोज आपको रात को बनाना पड़ेगा। इसके अंदर डाल दिया आपने केसर, मुनक्का और पम्पकिन सीड, इसको डालकर रखकर छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह उठते ही इस पानी को हल्का सा इसको गुनगुना कर लीजिए, और गुनगुना करने के बाद ये पम्पकिन सीड को चबा चबा कर खा लीजिए, मुनक्का को चबा चबा कर खा लीजिए, वो 1 ग्लास पानी पी लीजिए। लगातार 30 दिनों तक जब आप करेंगे तो आपके बॉडी में चेंजेस 10 दिनों के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा चीज आपको क्या करना है, सिकाई करना है, गर्म पानी में आपको सेंधा नमक, फिटकरी और सोंठ डाल के सिकाई करनी है, जहां जहां नसों में आपको प्रॉब्लम है वहां सिकाई करनी है, और सिकाई करने के बाद आपको ये रिमसिल ऑयल लेना है, रिमसिल ऑयल के अंदर में डालना है आधा चम्मच सोंठ, आधा चम्मच जायफल, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, अच्छे से पेस्ट बना लेना है, और इस पेस्ट को जिस जगह पे आपको दर्द है वहां पे पेस्ट की तरह लगा देना है, 1 से 2 घंटे तक रहने देना है, उसके बाद गुनगुने पानी से इसको धोकर हटा देना है। ये भी लगातार आपको 30 दिनों तक करना, इससे आपको दर्द में पहले दिन से ही आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। लगातार 30 दिनों तक जाकर दोनों उपाय को आप करेंगे तो आपके नसों में ताकत, स्ट्रेंथ आ जाएगा, दर्द में कमी आ जाएगी,
और दोबारा अगर आप चाहें तो इसको आप लगातार 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने तक अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपके जीवन से ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रही हूं, नसों का कोई भी प्रॉब्लम, चाहे नसों में ब्लॉकेज है, नसों में दर्द है, नसों में सूजन है, तकलीफ है, और बॉडी के किसी भी पार्ट में है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। इतना मिराकुलस, इतना अमेजिंग और इतना इफेक्टिव है ये उपाय। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारा फायदा उठाया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 दिनों में करने के बाद आपको कितना फर्क आया, सो दैट कि मैं जान सकूं कि मेरे उपाय आपको फायदा कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।